भगवान शिव का सबसे पवित्र महीना सावन के समापन के बाद बद्रीनाथ धाम में बुधवार को विशेष पूजा की गई। इस अवसर पर भगवान आदि केदारेश्वर को अन्नकूट अर्पित किया गया। श्री बद्रीनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ईश्वर प्रसाद रावल ने भगवान आदि केदारेश्वर एवं आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर में अन्नकूट अर्पित किया। बद्रीनाथ के पुजारियों के मुताबिक केदारनाथ की भांति ही बद्रीनाथ में भी अन्नकूट पर्व मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो लोग केदारनाथ के दर्शन नहीं कर पाते वो बद्रीनाथ में ही आदि केदारेश्वर के दर्शन कर फिर बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि बद्रीनाथ के दर्शन तब ही किए जाते हैं जब केदारनाथ के दर्शन किए हों। अन्नकूट के अवसर पर भगवान शिव के आदि केदारेश्वर रूप को पके हुए चावलों से पूरी तरह ढका गया। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद शिवलिंग को चावलों के लेप लगाकर पूरी तरह ढककर रखा गया। इस दौरान भगवान को पुष्प अर्पित कर उनकी आरती उतारी गई और हवन भी किया गया। इसके बाद दूसरे दिन इन चावलों को पवित्र नदी में विसर्जन किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इस बार की चार धाम यात्रा की। चार धाम यात्रा के दौरान इस बार सबसे ज्यादा भक्त बद्रीनाथ पहुंचे हैं। अब तक 10,66,000 से अधिक यात्री बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं, जबकि केदारनाथ पहुंचने वाले यात्रियों की संख्या भी 10 लाख के पार हो चुकी है। चमोली से कमल नयन की रिपोर्ट।